हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग के सारे ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। सो एक एक करके मैं आपको पहले सब थ्योरेटिकल करवा देता हूँ 2 मिनट में, उसके बाद हम ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सो फाइल इज नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क और स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इट इज यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा इन मेमोरी। कोई भी फाइल है वो कोई भी डेटा स्टोर करेगी, परमानेंटली स्टोर करेगी। अब उस फाइल के साथ ऑपरेशन कौन से होते हैं? 3 ऑपरेशन कर सकते हैं हम फाइल के साथ। फाइल को पहले ओपन करेंगे, रीड करना है तो रीड करेंगे वरना राइट करेंगे, और फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये 3 ऑपरेशन कैसे कैसे करने हैं मैं वो बता। सो पाइथन हैज अ बिल्ट इन फंक्शन ओपन टू ओपन अ फाइल। तो पाइथन के पास बिल्ट इन फंक्शन है ओपन कि हम वो यूज करके क्या कर सकते हैं, हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। द फाइल द फंक्शन रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट ऑल्सो कैन हैंडल कॉल्ड अ हैंडल। और उसको जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सिंटेक्स है। फाइल का एड्रेस, बेसिकली जहां फाइल स्टोर है वहां का एड्रेस, फिर ओपन कमांड देना है, ये कमांड जो है ये फंक्शन का कीवर्ड है, और ये जो एफ है ये एक्ट करेगा एज अ हैंडल की तरह। मतलब इस फाइल के साथ जो भी करना है वो कौन, वो उसका हैंडल कौन है, वो किसके थ्रू होगा, वो इसके थ्रू होगा। तो एफ इक्वल्स टू, अगर आपकी फाइल कहीं सी ड्राइव में डेस्कटॉप पे सेव है तो उसका पूरा एड्रेस आप पूरा फाइल को कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट, फाइल को अगर अलग अलग मोड्स में ओपन किया जाए तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं बेसिकली। तो अगर फाइल को आर मोड में ओपन किया जाए तो आर मींस रीड, डब्ल्यू मींस राइट मोड, ए मींस अपेंड मोड, आर प्लस मींस ओपन फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, फाइल पॉइंटर प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ओके, W plus shows that same as W but also allows to read from file. आप read भी कर सकते हो file से, और ऐसे ही A के लिए it goes to the same. So now we are moving to the next implementation. F equals to open. If we want to open the file hello.txt in write mode, अगर आपको write mode में open करना है तो हम ऐसे W का सिंटेक्स ये है लिखने का, पहले फाइल का नाम कॉमा डाल के आप इन्वर्टेड कॉमास में W, या फिर R, रीड मोड में R, राइट मोड में W, अपेंड मोड में A, ऐसे आप लिख सकते हो। इनकोडिंग कुछ नहीं है, इनकोडिंग ये अपना डिफॉल्ट ही ले लेता है, UTF-8 डिफॉल्ट इनकोडिंग होती है ये। और इनका मोड जो फाइल का, अगर मैंने सिंपल ये सिंटेक्स लिखा है तो ये चीजें वो डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते। So when we are done with operation to the file, we need to close. याद रखना, देखो अगर हम book open करते हैं तो book को close भी करते हैं। तो अगर हम file को open करते हैं तो same as it is file को हम close भी करेंगे। अगर हमने file को कभी open किया है तो close करना कभी मत भूलना, वरना बाद के जो भी आप operations करोगे वो file perform नहीं कर पाएगा। We don't need to explicit call the close method. It is done internally. क्लोज मेथड इंटरनली भी परफॉर्म हो जाता है, बट उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए क्लोज मेथड जरूर कॉल कर देना आप लोग। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं अब डायरेक्ट। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन। हमने इम्पोर्ट करवाया os.chdir, यानी जहां पे जिस डायरेक्टरी में उस फाइल का एड्रेस है उस फाइल का एड्रेस मैंने कॉपी करवा लिया बेसिकली। फिर मैंने फाइल को ओपन करवाया, फाइल का जो नाम है वो मैंने अपने आप से दिया file1.txt, और मैंने रीड मोड राइट मोड में ओपन करवाया फाइल को। मैंने f.write फंक्शन से फाइल में लिखा आई लव प्रोग्रामिंग, फिर लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग इज वेरी गुड। अगर ये सक्सेसफुल है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डेटा रिटर्न सक्सेस, और फिर फाइल को मैंने क्लोज करवा दिया। मैंने फिर दोबारा फाइल को ओपन करवाया, सेम फाइल का नाम है और इस बार मैंने अपेंड मोड में ओपन करवाया है, और मैंने फाइल में राइट क्या किया, आई एम नितिन गोयल, एंड फिर राइट किया वर्किंग इन एमएनसी। और अगर ये दोनों लाइन अच्छे से प्रिंट हो रही है तो क्या प्रिंट करवाएगा, ये डेटा रिटर्न सक्सेस, और फाइल को क्लोज कर दिया। मैंने फिर फाइल को ओपन किया, अब मैंने एक लिस्ट एंटर करवाई है और मैंने राइट लाइन्स, यानी ये वाली लाइन पूरी रिटर्न होनी चाहिए जो भी लिस्ट में रिटर्न है, और अगर ये राइट हो गई होगी तो मैंने प्रिंट करवाया लिस्ट रिटर्न, और फिर मैंने फाइल को क्लोज करवा दिया। एफ डॉट ओपन, मैंने दोबारा फाइल को ओपन करवाया, कॉल इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, मैंने फाइल को पूरा रीड करवाया,
कॉल से, और फिर प्रिंट को करवा दिया, प्रिंट कॉल करवा दिया, यानी जो भी प्रिंट ये सब जो होगा ये सारे कॉल हो जाएंगे। एफ डॉट रीड का मतलब है जितने भी रीड ऑपरेशंस होंगे इनमें सब कॉल हो जाएंगे, और फिर मैंने दोबारा क्लोज करवा दी फाइल। तो मैंने अगर प्रोग्राम को रन किया तो डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, यानी ये वाली लाइन, फिर डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, फिर लिस्ट रिटर्न, फिर लास्ट में आई एम राइटिंग द लिस्ट, ये भी हो गया मेरा। तो अगर मैं फाइल को जाके देखूं, ओपन करूं, तो फाइल को, फाइल में ये आएगा क्योंकि मैंने इन सब लाइंस को ओवरराइट कर दिया बेसिकली, इसलिए फाइल में बस क्या शो हो रहा है, ये वाली लाइन शो हो रही है। तो आप एक मतलब फाइल डॉट क्लोज तक का सिंटेक्स पहले लिखना और फिर चेक करना, फिर आप ओपन से फाइल डॉट क्लोज तक का सिंटेक्स लिखना फिर चेक करना, तो आप देख पाओगे कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो आई होप आपको फाइल हैंडलिंग इन पाइथन समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया तो यार प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।